लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, एक लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चुराए पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाए सुरमे की तरह, और शिवजी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है प्रदोष। प्रदोष के दिन शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने का विशेष फल है। आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख द्वारा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई, और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या बारह महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते, 84 लाख योनियों में से भी योनियां कट जाती है और देव योनि प्राप्त होती है। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है। जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का समझ में शिवलिंग, कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला, जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम लो, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और 5वें नंबर की देव। ये शिवजी की 5 लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होता है, अदालती कार्रवाई। यहां तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाता, कनेर का पुष्प सुख प्रदान, आनंद, जिसको कोई ना पाए उसको मेरा महादेव पाए। महाराज जी कह रहे हैं, मंदार शमी तेरी जड़ में मैं सदा विराजमान हूं, जिस कामना से लोग तुमको समर्पित करेंगे उस कामना से मैं उसको फल प्रदान करूंगा। मंदार का जो पुष्प होता है, आंकड़े का जो फूल होता है, एक सफेद कलर का भी होता है और एक गुलाबी कलर का भी होता है, देखा है आप लोगों ने, बोलो जम के बोलो, देखा है ना, गुलाबी कलर का जो पुष्प होता है वो
आप मंदार का आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प होता है आप टीवी पे देख रहे होंगे, एक सफेद देख रहे होंगे, एक मंदार का गुलाबी फूल नीला कलर का फूल देख रहे होंगे। जो नीला कलर का जो पुष्प होता है, गुलाबी कलर का जो आंकड़े का फूल होता है, प्रयास करना जब किसी विषम परिस्थिति में विषम परिस्थिति जब आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भय लग रहा है, कुछ बुरा होने वाला, आपको लग रहा है आज मेरी उल्टी आंख बहुत फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, आपको लग रहा है मेरी सीधी आंख फड़क रही है, कुछ गड़बड़ होने वाला, तब केवल वो नीला जो गुलाबी पुष्प है मंदार का, उसको कहीं से लाकर शिवालय में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, आपकी विषम परिस्थिति कैसी भी होगी वो रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी, आपको फंसना नहीं, परेशान नहीं। मंदार आकर सफेद आंकड़े का पुष्प भी भगवान शिव को समर्पित होकर फल देता है। तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर महामृत्युंजय का स्मरण कर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो, वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है, फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपकर वो लाल पूरा पांच एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते, रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग एकांतेश्वर, सोनक जी और भुसुंडी जी दोनों गणेश जी के पास गए, गणेश जी शमी और मंदार इन दोनों को आप क्षमा कर दो, गणेश जी ने कहा इसने मेरे शिष्य की हंसी उड़ाई है, पेड़ तो रहेंगे पौधे तो रहेंगे पर मैं वर प्रदान करता हूं, मंदार और शमी ये दोनों मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित होंगे, ये मैं वर देता हूं। जिस जगह पर मंदार और शमी दोनों साथ में होंगे, ये आंकड़ा और शमी का पेड़ जहां पर साथ में होगा, शमी और आंकड़े का पेड़ जहां साथ में होगा, 21 वर्ष तक आंकड़े का पेड़ मंदार का पौधा शमी के पौधे के पास में अगर 21 वर्ष तक रहेगा तो उसकी जड़ में मैं खुद आकर बैठूंगा और लोग मुझे आंकड़े का गणेश कहेंगे, मैं उनके घर में अष्ट सिद्धि नौ निधियां प्रदान करूंगा। लोग कहते हैं हमने आंकड़े के गणेश जी बनाए उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, तो उसका फल क्यों, शमी और आंकड़ा दोनों साथ में हो और 21 वर्ष तक शमी और आंकड़ा साथ में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर उसकी जड़ में गणेश जी का निवास हो जाता है, उस जड़ के जब गणेश जी बनते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि घर में कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती, वो आंकड़े का गणेश। मेरी आराधना करने वाले गणेश जी कहते, मेरी आराधना करने वाले शमी का पत्ता, शमी का पुष्प, मंदार का पुष्प जब मुझे लाकर देंगे, दोनों साथ में दुर्वा के साथ मुझे समर्पित करेंगे, मैं उनकी मनवांछित फल की पूर्ति कर दूंगा, उनको आँच नहीं है। ये मन खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदनी अपने हृदय लगा लो कि राजा रहा। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके घर में आप जब फिर ही रहे हो, आपको लगे कि आज मैं बड़ी दुखी हूं, थोड़ी देर बैठ लिए, कोई पास में शिव जी का ओटला हो, शंकर का मंदिर हो, तुम्हारा जब मन करे एक लोटा पानी लेकर घर में से लेकर जाना, वहां की बाल्टी में से मंदिर में कितना भी पानी रहे पर मंदिर का नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, क्योंकि समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, कष्ट अपने घर का है, मंदिर की समस्या नहीं है, अपने घर का जब जल लेकर जाएंगे, पत्र
जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर से लिखकर लेकर आते हैं, मेरे घर से पत्र गया है, मेरे घर से भेजा गया है।